नमस्कार दोस्तों, द आयुष ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पतंजलि के अश्वगंधा कैप्सूल के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कैप्सूल के अंदर मिलाए गए मुख्य कंटेंट और परिरक्षकों के बारे में। इस कैप्सूल को खरीदना कहाँ से है, इस कैप्सूल की सही सेवन विधि क्या है, इसके मुख्य लाभ क्या क्या हैं, अश्वगंधा कैप्सूल को कौन कौन ले सकता है आदि सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे अश्वगंधा कैप्सूल के फॉर्मुलेशन के बारे में। बात करें इसके फॉर्मुलेशन की तो इसमें हमें एकमात्र कंपोजिशन अश्वगंधा या विथानिया सोमनिफेरा देखने को मिलता है। पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल में अश्वगंधा की जड़ों को पीसकर उसको पाउडर फॉर्म में 50 मिलीग्राम और अरक फॉर्म में 390 मिलीग्राम के रूप में मिलाकर 451 मिलीग्राम का एक कैप्सूल एक कोटिंग में भरकर तैयार किया जाता है। इन पाउडर और हर्ब को खराब होने से बचाने के लिए और इन पाउडर और अरक की लाइफ को बढ़ाने के लिए इस कैप्सूल में एरोसिल को 0.8 मिलीग्राम और टालकम को 10 मिलीग्राम के रूप में मिलाया जाता है। एरोसिल और टालकम एक परिरक्षक के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, पतंजलि अश्वगंधा की एक पैकिंग जो है उसमें 10-10 कैप्सूल की 2 स्ट्रिप आती हैं, जिनकी कीमत जो है वो लगभग 50 रुपये के आसपास पड़ती है। पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल को आप पतंजलि के मेडिकल स्टोर से या फिर हर आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल को खरीदा क्यों जाता है। दोस्तों, मार्केट में अश्वगंधा कैप्सूल को फटीग या थकान और जनरल वीकनेस या सामान्य कमजोरी को दूर करने के लिए खरीदा जाता है, जैसा कि इसके पैकेट पर भी मेंशन किया जाता है। पतंजलि अश्वगंधा को अगर दूध के साथ में सेवन किया जाता है तो इसकी पावर जो है वो कई गुना बढ़ जाती है और यह कैप्सूल वैवाहिक जीवन से जुड़ी सारी दिक्कतों को ठीक करता है। पतंजलि अश्वगंधा स्ट्रेस या तनाव को बेहद ही प्रभावी तरीके से कम करता है। यह कैप्सूल शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करके शरीर को डिप्रेशन से बचाता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन या कोर्टिसोल को कम करने में मदद करता है। शारीरिक थकान और मानसिक दुर्बलता और स्ट्रेस को कम करने के अलावा पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल शरीर में होने वाले आलस को कम करने में मदद करता है। ये कैप्सूल जो है वो काम में मन नहीं लगना जैसी दिक्कतों को भी ठीक करता है। पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल में प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन या मेल सेक्स हार्मोन को बढ़ाने का गुण पाया जाता है। ये कैप्सूल टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाकर पुरुषों में फुर्ती लाता है और उनके आत्मविश्वास को जगाता है। अश्वगंधा कैप्सूल जोड़ों में होने वाली दिक्कतों को ठीक करता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम भी ये कैप्सूल करता है। इसके अलावा कुछ लोगों में धातु का गिरना और सेक्स के प्रति रुचि न होना जैसी दिक्कतों को भी ये कैप्सूल ठीक करता है। अश्वगंधा कैप्सूल के नियमित प्रयोग से भूख बढ़ती है और प्राकृतिक रूप से वजन बढ़ता है। दोस्तों, बात करें इसके डोज की तो एक कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद में दूध के साथ लेना चाहिए या डॉक्टर के बताए अनुसार आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा कैप्सूल पुरुषों के लिए बनाया गया कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल को महिलाओं को यूज नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कम उम्र के लोगों, हार्ट और बीपी के पेशेंट को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल का वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी सेल्फ मेडिकेशन से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब जानकारी थी पतंजलि के अश्वगंधा कैप्सूल के बारे में। आप देख रहे थे द आयुष ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।